Let's do question number 20 of exercise 3b, that is linear equation 2 variable. Question number 20 is solve for x and y. हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है. हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3/y इक्वल्स टू 9 and next equation is 3x plus 7/y equals to 2 where y is not equals to 0 क्योंकि अपॉन में अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी. तो हम इसे सॉल्व करते हैं. हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x माइनस 3/y इक्वल्स टू 9. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 7/y इक्वल्स टू 2. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो हम ऐसे क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका क्या होता था, हम इसको y 1/वाली वैल्यू को कुछ भी वेरिएबल मान लेते थे. तो हमने एक लिखा लेट 1/y इक्वल्स टू z. तो ये कितना आ गया 2x माइनस 3/y है तो इसको 3z कह सकते हैं, राइट. तो 3z इक्वल्स टू 9. ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन और 3x प्लस 7z इक्वल्स टू 2 आ गई फोर्थ इक्वेशन. फ्रेंड्स मैं इसी में इन्हीं इक्वेशंस को चेंज करके 3 और 4 ले रही हूँ. कोई ये नई इक्वेशंस नहीं बनी है, यहाँ पे सिर्फ 1/y को हमने z रखा है, राइट. अब आप देखेंगे इन दोनों के कोफिशिएंट्स भी चेंज हैं और इन दोनों के कोफिशिएंट्स भी. आप चाहें तो किसी के भी कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैं मोस्टली छोटी फिगर्स लेती हूँ. तो हमने किया इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आया 6x माइनस 9z इक्वल्स टू 27 और नेक्स्ट इक्वेशन आई 6x प्लस 14z इक्वल्स टू 4. अब आप देखें साइन दोनों के सेम है 6 के, तो हमने साइन चेंज कर लिए. तो ये कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया. अब ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों अपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो ये आ गया हमारा 14 प्लस 9 कितना आया, ये दैट इज 23z इक्वल्स टू 27 में से 4 गया तो 23 आया. तो z कितना आ गया माइनस का 23/23. ये वाला माइनस साइन यहाँ वाला है, राइट. तो ये कितना आ गया माइनस का 1. अब हमने z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखी. पुटिंग z इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन थर्ड में रखी. तो ये कितना आ गया 2x माइनस 3 × -1 इक्वल्स टू 9. तो ये आया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9. तो 2x कितना आ गया 9 में से 3 माइनस हो गया तो 2x की वैल्यू आ गई 6, राइट. अब x कितना आ गया, x आ गया 6/2 दैट इज 3. अब हमें पता है हमने 1/y की वैल्यू z के इक्वल रखी थी और हमारा z आया है -1. तो अब ये इधर चला जाएगा, राइट. तो ये कितना आ गया y इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -y. तो y कितना आ गया हमारा -1. ये माइनस जो y के साथ था वो इधर आ गया. तो ये कितना हो गया y इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3 इज द आंसर.